and I'd like to request. Wait. Ready? Thank you. Thank you. एक्चुअली हमारा जो अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन है उसका एनुअली हम लोग मेंबरशिप ड्राइव करते हैं, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि स्टेट में मीडिया बात करें स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म में कई लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी बात भी है। तो हमारा ओर से हमने ऑलमोस्ट अ मंथ हम लोग ने ड्राइव कंडक्ट किया था, जिसके बाद 5 लोग क्वालिफाई हुए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि अरुणाचल न्यूज़ लाइव, वॉइस नाउ, कैपिटल न्यूज़, अरुणाचल 365 एंड इंडिया टुडे एनी रीज़न का 5 लोगों को हमने क्वालिफाई किया। और कई लोगों का सवाल होगा कि किस तरीके से किया जाता है मेंबरशिप ड्राइव और किस तरीके से अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन में क्वालिफाई हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी हमारा प्रॉपरली जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट है कि एक प्रॉपर ऑफिस होना ज़रूरी है विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड स्टाफ्स। उसके बाद वेबसाइट, एक प्रॉपर वेबसाइट होना ज़रूरी है और वेबसाइट वर्किंग भी होना ज़रूरी है। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना है कॉर्पोरेट अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आप लोग प्राइमरी मेम्बरशिप के लिए मिनिमम आप लोग 2 ईयर्स होना ज़रूरी है। जब आप 2 ईयर्स हो गए तभी आप लोग को आइडमा में आप लोग एफिलेशन मिलेगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया हाउसेस चलाते हैं, आपको अगर अरुणाचल प्रेस क्लब का मेंबरशिप चाहिए या फिर वर्किंग जर्नलिस्ट का मेंबरशिप चाहिए, तो आपको थ्रू आइडमा का क्लियरेंस ही जाना होगा। तो इसीलिए हर साल हम लोग कर रहे हैं और इस साल जैसे मैंने बताया 5 लोग का क्वालिफाई हुआ है। एंड इन टोटल एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में आइडमा के अंदर जो एफिलेटेड है टोटल 40 न्यूज़ चैनल्स है, जैसे मैंने ऑलरेडी 5 न्यू कमर्स का बता दिया है। तो मैं बस क्योंकि इस बार जब मेंबरशिप ड्राइव हमने कंडक्ट किया था, कई चैनल्स ने अप्लाई किया था, तो उनसे मैं उनमें से 5 लोग क्वालिफाई, तो जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए उनसे मैं बस यही रिक्वेस्ट और कहना चाहूँगी कि दुख मत करिए, ख़राब मत पाइएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाय लॉ और जो क्राइटेरिया रखा गया उसके हिसाब से ही हमने बहुत स्ट्रिक्टली और फेयरली हमने ये जो 5 चैनल है उन्हें हमने अभी एज अ आइडमा मेंबर हमने क्वालिफाई किया है, उन्हें अप्रूव किया है। बट भले आप लोग आइडमा के अंदर नहीं आते हैं, एफिलेटेड नहीं होते हैं, एपीसी के अंदर एफिलेट नहीं होते हैं, दो आप लोग एज अ मीडिया फर्टिनिटी एज अ फैमिली मेंबर ही रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इवेंचुअली आप लोग एज अ मेंबर जुड़ने वाले ही हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, ऐसे जिस तरीके से आप लोग का एंथुजियाज्म है, जिस तरीके से आप लोग जर्नलिज्म करते आए हैं वैसे करते रहिए। और एक रिक्वेस्ट रहेगा एज अ आइडमा जनरल सेक्रेटरी कि जब भी आप रिपोर्ट, कुछ भी रिपोर्ट बनाते हैं, तो देखिएगा कि आप बैलेंस स्टोरी बनाइए और स्टोरी को अच्छी तरह से रिसर्च और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही कुछ भी रिपोर्ट बनाइएगा। बस यही कहना चाहूँगी। मैं उसको बनाने के लिए कोशिश करता है और पब्लिक को डिसिमिनेट करता है, कहीं गलती तो इच्छा से होता है, आपसे भी हुआ होगा। हम लोग ऐसे नहीं है कि अब हम लोग मतलब पहले जैसा है, अभी हम लोग का रिस्पांसिबिलिटी बढ़ चुका है। हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हम लोग अपना बेस्ट दें, ताकि मतलब किसी कोई हमसे उंगली ना उठा सके कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जितना हो सके हम लोग अपना बेस्ट देगा और आप लोग का अभी हम लोग को ये आप लोग के अंदर आने से मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुका है। तो हम लोग ट्राई करेगा कि हमारा बेस्ट से आप लोग का भी नाम खराब ना हो। थैंक यू, आप लोग को चुनने के होने वाले बोलते रहेंगे। My best wishes to the IFA also for keeping up their integrity. But I like to say ki the Boys Now team will always try to maintain the decorum of ADMA. Big bar. Ready? 3